की कृपा नहीं होती तब तक कोई शिवमहापुराण की कथा में नहीं पहुंचता, भगवान शंकर की कथा में नहीं पहुंचता। वो देवाधिदेव महादेव ने करुणा करी है, देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी तब हम इतनी चिलचिलाती हुई धूप में शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, बगीचे में से वो ही फूल तोड़ा जाता है जो फूल सुंदर होता, जो फूल आपको पसंद आता है। बगीचे से वही पुष्प तोड़ा जाता है जो पुष्प आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको प्रिय लगता है। उसी तरह शिव महापुराण कथा में वही पहुंचता है जिसको महादेव प्रिय लगते हैं। जिनको महादेव की प्रियता होती है वो प्रियता। पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करा पर पार्वती जी ने शिव जी की कोई परीक्षा नहीं करी। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा करी पर शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा करी पर पार्वती जी ने शिव जी की कोई परीक्षा नहीं। माता पार्वती जी से हमको सीखना चाहिए कि हमको परीक्षा नहीं लेना, हमको प्रतीक्षा करना। पार्वती जी ने परीक्षा नहीं ली, पार्वती जी ने प्रतीक्षा करी। और शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ जी की, कभी परीक्षा मत लो, आप तो एक लोटा जल चढ़ाते जाओ, थोड़ी प्रतीक्षा करते जाओ, थोड़ा इंतजार करते जाओ, मेरा बाबा तुम्हारा दुख काटेगा जरूर, मेरा बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा जरूर। मेरी माता पार्वती कोई परीक्षा नहीं लेती, मेरी माता पार्वती हमेशा शंकर भगवान की प्रतीक्षा करती। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, इंतजार करूंगी, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरी सुनेगा, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। और जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो उसका फल मिलता जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। शिव महापुराण की कथा में रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा है, शंकर विश्वास रूपी है। शिव जी को विश्वास कहने का मतलब तुलसी बाबा का केवल इतना था कि हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जब पक्का होता है, और हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा जब प्रबल हो जाती है तब तुलसी बाबा का चरित्र कहता है हमारी उस समय पर परीक्षा की घड़ी होती है और हम प्रतीक्षा करते रहें, इंतजार करते रहें तो मेरा देव अधिदेव महादेव आकर हमारे दुखड़े जरूर मिटाता है, हमारे दुखड़े काट देता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये उसकी मर्जी। हमने पहले कथा में कहा आप इतनी मेहनत करिए, आप अच्छी पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो और इतनी प्रबल मेहनत करो कि परमात्मा भी सोचे कि अब मेरे को इसको कुछ ना कुछ प्रदान करना है। इतनी प्रबल मेहनत। वेद व्यास जी महाराज ने इतने सारे पुराणों की रचना करी है, वेद व्यास जी महाराज ने इतनी पुराणों की रचना करी पर केवल एक पुराण शिव महापुराण 24,000 श्लोक का ऐसा बनाया है वेद व्यास जी ने जिस पुराण में लोगों के दुखड़े मिटाने का सारा उपाय इस शिव महापुराण में डाल दिया गया। अच्छी विद्या प्राप्त करना है शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा, रोग मुक्ति करना है शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा, अच्छा विवाह करना है शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा, वैभव प्राप्त करना है शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा, सत्ता प्राप्त करना है शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। 18 पुराण की रचना वेदव्यास जी ने करी परंतु केवल एक पुराण शिव महापुराण ऐसा वेदव्यास जी ने रचा, ये 24,000 श्लोक का ये शिव पुराण ऐसा रचा जिसमें वेदव्यास जी ने उसमें सब कुछ लग दिया, सब कुछ। जैसे मेरी चतुर माताएं होती हैं, 18 पुराण में एक पुराण वेदव्यास जी ने रची जिसमें सारे उपाय दे दिए, ये करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, एक लोटा जल समर्पित करोगे इससे ये फल मिलेगा, वेदव्यास जी ने सब कुछ इसमें दिया। ये उसी तरह जैसे मेरी जो माता यहाँ पर बैठी हैं, इन सबके घर में एक ऐसा एक चौकोर या गोल एक डब्बा होता है रसोई घर में,
रसोई घर में चोकोर या गोल डब्बा रहता है, उसमें इतने बड़े बड़े खन रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मसाल दानी, उसमें हल्दी, मिर्ची, हींग, राई, जीरा, धनिया, गरम मसाला, सब उस डब्बे में रहता है। अब आपको अलग अलग डब्बे उठाना पड़ते हैं क्या? वो एक मसाल दानी मेरी जीजियां उठाती हैं और सब्जी बगाड़ देती है। सब्जी को बगाड़ने के लिए एक मसालदानी में उस जीजी ने, मेरी दीदी ने सब कुछ भर कर रखा है। एक मसालदानी उठाओ और सारी सब्जी बगाड़ दो। उसी तरह एक शिव पुराण उठाओ और पूरे दुख को मिटा दो। उस मसालदानी में धनिया भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, राई भी है, जीरा भी है, रिटर्न बढ़ा, राई भी है, जीरा भी है, गरम मसाला भी है, सब कुछ रखा, सब कुछ। और वो निकालती है मसालदानी और पूरी सब्जी को बगाड़ देती है। उसी तरह वेद व्यास जी ने विचार करा कि संसार सागर में इतना दुख भरा पड़ा है, इस पूरे संसार सागर में इतनी तकलीफें रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे संसार सागर इस कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता चले जाएगा, वैसे दुख का भंडार सांसारिक जीव पर पड़ता चले जाएगा। उस दुख को मिटाया कैसे, उस दुख को समाप्त कैसे करा, उस दुख को नष्ट कैसे करा, तो उसका एक सार तत्व वेद व्यास जी ने लिख दिया। शिव महापुराण 24,000 श्लोक की ये पुराण की रचना वेद व्यास जी ने कर दी। और इस पुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो इस पुराण को दिल से श्रवण करेगा, इस पुराण को दिल से मनन चिंतन करेगा, मनन चिंतन, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने अनमोल शब्दों में कह रहे थे कि केवल हमको सुनना नहीं है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमको केवल सुनना नहीं है, हमको सुनकर अपने अंदर सनातन धर्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। यह भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, अपने को दृढ़ होना, अपने विश्वास को दृढ़ करना, अपने विश्वास को प्रबल बनाना। और जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, जब हमारा भरोसा पूरा की पूरा प्रबल हो जाएगा, तो हमें परमात्मा को मिलने में देरी होगी ही नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी। तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमें परीक्षा नहीं लेना हमारे शंभु की, हमें प्रतीक्षा करना है हमारे हमारे शंभु, थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा कल एक कथा में एक बात कही थी, अच्छा काम करना हो तो, कल कथा सुनी थी ना, क्या बताया था, अच्छा काम करना हो तो तुरंत करो और झगड़ा करना हो तो कल करो। झगड़ा कब करना है, कल। अब ये बात किसी ने सुन ली, और कल हमने बताया ना कि दो दिन हम लोग मिल लेते हैं सबसे, तो जब हमने ये बात यहाँ कह दी तो एक बहन मिलने के लिए आई और उसने एक पत्र हमको, हम जहाँ श्रीधर जी के यहाँ रुके हैं वहाँ हमको पकड़ा गया। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि गुरु जी आप इतने सारे उपाय बताते हो, हम पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, उसका कोई उपाय है, मैं कौन सा रतन पहनूं, मैं कौन सा नग पहनूं, मैं पत्रिका किसी को दिखाऊं, मैं कौन सी पूजन करूं, मैं कोई अनुष्ठान करूं, कौन सा उपाय आप बताओगे क्या? तो हमने कहा हम ये वाला उपाय सबके सामने बता देंगे, आप कहीं पर लिख लेंगे कि घर में क्लेश समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय एक ही है, जब घर में क्लेश हो पति गूंगा बन जाए और पत्नी बहरी बन जाए। क्या बनना है, जम के बोलो जरा, पति को क्या बनना है, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको कुछ नहीं बोलना, मौन, मेरे शंकर जैसे ओ घरदानी, मेरे शंभू जैसे विराजमान हो जाए, मेरे ओ घरदानी जैसे विराजमान, मौन।
और फिर मेरी जीजियों को क्या करना है, जम के बोलो जरा, अपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाओ। कोई अपशब्द तुम्हारे भीतर अगर अंदर आ भी रहा है ना, तुम्हारे भीतर अगर अपशब्द पहुंच भी रहा है ना, तुम्हारे अंदर अगर अपशब्द जा भी रहा है ना, तो उसको निकाल दो, उसको हमको रखना नहीं, उन अपशब्दों को हमारे भीतर नहीं रखना। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो, बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, कुरुत की माता है, जल्दी बोलो, कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? रात को कचरा इकट्ठा करा तो सवेरे दे दे, कचरा की गाड़ी आती है, जम के बोलो जरा, आवाज लगाती है, क्या कहती है? कचरा निकाल, बस सवेरे सवेरे कचरे की गाड़ी आकर चिल्लाती है कि घर में से कचरा बाहर निकालो, गीला कचरा गीले में डालो, सूखा कचरा सूखे में डालो। जैसे कचरे हमारे दरवाजे पर आकर सुबह सुबह कहती है कचरा बाहर निकाल दो, वो केवल कचरे के लिए नहीं कहती, वो कहती है अपने अंदर अगर कुछ अहंकार का, लोभ का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का, अहम का, अहंकार का कचरा भरा हो तो उसको भी बाहर निकाल दो। ज्ञान कचरा घर में पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा, जम के बोलते जाओ, कचरा घर में है तो बदबू मारेगा, अहंकार अगर अंदर भरा हुआ है तो वो भी बदबू, उस अहंकार को निकाल, उस अभिमान को बाहर फेंक, कचरा भी बदबू मार रहा, अहंकार भी बदबू मार रहा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघरदानी का चरित्र कहता है, मेरा देवदिव्य महादेव का संवाद कहता है, बहुत दिनों तक अगर कचरा सड़ता रहेगा सड़ता रहेगा सड़ता रहेगा तो जिस बाल्टी में, जिस तगाड़ी में, जिस बर्तन में कचरा रखा हुआ है वो बर्तन में भी जंग लगना चालू, वो बर्तन भी सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह इस मन के अंदर अगर अहंकार भरा हुआ है, काम आसक्ति तृष्णा वासना लोभ निंदा ये सब अंदर भरी हुई है, तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे सड़ना, अंदर से हम शुद्ध होते चले जाते। अंदर से हम शुद्ध होते चले जाते। कचरे को रोज बाहर निकालना जरूरी है, मकान को रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर को रोज साफ करना जरूरी है। उसी तरह इस मन में शिव महापुराण को ले जाना जरूरी है, जिससे ये मन भी पवित्र बनता चले जाए और भीतर से हमारा अहंकार समाप्त होता चले जाए। बोलबम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन शिव तत्व की प्राप्ति, अपने अंदर शंकर को उतारने का प्रयास कर। कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है महाराज, कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर हमें जाना नहीं है, हमें तो केवल शिव की भक्ति में भ्रम, केवल शिव। और जब हम शिव की भक्ति में रम जाएंगे ना, तो देवदत्त महादेव की कृपा भी साईं साईं हो ही जाएगा, ये निश्चित। हम भक्ति में रमे तो सही, हम शिव की भक्ति में रमे ही ना और सोचें कि बाबा हमारे दुखड़े को मिटा दे, बाबा हमारे कष्टों को हर ले, बाबा हमारी तकलीफों को हर ले, तो मुश्किल बहुत। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया
आतो बिना मेरी नैया आतो बिना। आप उसको पुकारो, आप उसका स्मरण करो। कोई दुखी है उसके दुख को देखकर तुम्हारे भीतर दुख उत्पन्न होना चाहिए, कोई सुखी है उसके सुख को देखकर तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होना चाहिए। अगर दुख है, देख रहा है कि ये दुखी है, हम पहले भी एक कथा में बोल चुके हैं, ताली बजाने के लिए बहुत सारी जगह है। कथा में ताली बजा लो, मंदिर में ताली बजा लो, सत्संग में ताली बजा लो, भजन में ताली बजा लो, कीर्तन में ताली बजा लो, स्मरण में ताली बजा लो। पर शिव पुराण कहती है कि कभी किसी के दुख में कभी ताली मत बजाना, किसी को दुखी देखकर कभी ताली का स्मरण मत। आप सत्संग में ताली बजाओ, मना नहीं। आप भजन में ताली बजाओ, मना नहीं। आप कीर्तन में ताली बजाओ, मना नहीं। पर कोई दुखी है ना, उसके दुख में ताली बजाना नहीं। कि अच्छा है, लोग कहते हैं अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ ये परेशानी आ गई और लोग ताली बजाने लगते हैं। ना अभी छत्तीसगढ़ में कल परसों में ही एक एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी खड्डे में गिर गई और लगभग 19 लोगों के उसमें प्राण गए। मजदूर थे, मेहनती थे, जो भी थे, पर हमारे छत्तीसगढ़िया थे, छत्तीसगढ़िया थे। ना जाने कितने घरों के उजाले उस एक्सीडेंट में चले। विश्व महापुराण से, इस व्याज स्पीड से बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उन सबके घर में आपकी कृपा दृष्टि बना कर रखना, जो जीव चले गया उसको कैलाश का वास आ जाए। इतनी कृपा। इतनी कृपा जरूर। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि दुनिया को तो लोग धन देती है, पर आपने बहुत अच्छी घोषणा करी कि जो 19 लोग शांत हुए हैं उनको शायद उसमें रुपए देने की, 5-5 लाख रुपए सब कुछ उसमें मैंने हमने पढ़ा था अखबार के अंतर्गत, तो उसमें ऐसी घोषणा करी, उसके लिए साधुवाद है कि किसी गरीब के घर में कुछ धन पहुंचा तो उससे उनके जीवन का यापन। मनुष्य को तो वापस नहीं ला सकते, पर अपना हृदय, मनुष्य को वापस नहीं ला सकते पर अपना हृदय, धन से भी कुछ नहीं होता, पर अपना मन हम बाबा के भाव से समर्पित तो कर सकते हैं। आप और हम सब बैठकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उन जीवों के, सभी लोग बोलेंगे साथ में बाबा का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति, ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए कथा है, ताली बजाने के लिए मंदिर है, ताली बजाने के लिए देवालय है, ताली बजाने के लिए शिवालय है। पर किसी के दुख को देखकर कभी ताली मत बजाओ, बन सके तो थोड़ा कदम बढ़ाकर उसकी सेवा करना, उसकी हेल्प करना, उसको सहयोग करना, यह हमें चाहिए। अब कितनी विचित्र कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, और तारकासुर असुर है, राक्षस है, और उसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, प्रकट हुआ है। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है,
अब तारकासुर का असुर है ना, राक्षस है ना, उसको तो मरना है ना। पर माता पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहती हैं कि तारकासुर को मारना, तो उसके हृदय में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो, उसके हृदय में चोट ना पहुंचे। उसके हृदय में कहीं बाण ना लगे, ये माता पार्वती जी कह रही हैं षडानंद कार्तिकेय को। कार्तिकेय तारकासुर को मारो क्योंकि असुर है, संहार करो, मारो, मना नहीं है, पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। यह है हमारा सनातन धर्म। स्वयं खा लेना सुकृति होती है, छुड़ाकर खा लेना विकृति होती है, और बांटकर खाना यह भारत देश की संस्कृति होती है। यह है हमारा सनातन धर्म। कोई धर्म यह नहीं बताता कि पक्षी को दाना देना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि चींटियों को दाना देना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि मछली को दाना देना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि गौ माता को रोटी देना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि वृक्षों की पूजन करना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि नदियों की पूजन करना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि पृथ्वी की पूजन करना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि जीव और जंतु की पूजन करना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि नारी का आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना, यह केवल सनातन धर्म के अंदर ही है। इसके सिवा किसी धर्म में नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंतर्गत सबका सम्मान करना बताया गया। और हमने शिव महापुराण में पहले भी कथा में कहा था, दो चीजें हमें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का भजन कथा नाम स्मरण, और दूसरा दूसरे का, बोलो पहले दिन की कथा याद है आपको, दूसरे का सम्मान, दूसरे का आदर सत्कार, यह हमें लेना। पार्वती जी भगवान कार्तिकेय से कहती, कार्तिकेय जाओ तारकासुर का संहार करो, पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में चोट ना पहुंचे, उसके हृदय में ठेस ना पहुंचे, इतना ध्यान रखिए। शब्द बोलो, वाणी बोलो, पर शब्द ऐसा बोलना कि किसी के हृदय को ठेस। वो कहते हैं ना, वाणी ऐसी आता है आप लोगों को, पुरुद वालों बोलो जरा, बोलो वाणी, बस कितनी सुंदर बात कुरुत के लोगों को आती है, सबको आती है। वाणी ऐसी मन का, परंतु आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। दोनों में अंतर है, केवल एक शब्दों का भेद है, केवल एक वाणी का भेद है। एक राजा ने एक महल बनाया, बहुत पुरातन, हम पहले भी एक बार चरित्र सुना चुके, एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, बहुत सुंदर महल। और राजा ने महल बनाया और नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ जरा महल देखो कैसा है। नगर के सेठ जी गए, अब सेठ जी को जरा बोलने के तरीके नहीं थे, तो सेठ जी नगर के सेठ से बहुत बड़े राजा का महल देखने गए। जो महल देखने गए तो राजा ने पूछा, सेठ जी बताओ महल कैसा बना। सेठ जी बोले, महाराज महल तो अच्छा बनाया, पर इसका दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा, दरवाजे से क्या होना। महाराज जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। अब तो राजा को आ गया गुस्सा, राजा ने अपने दूतों को बुलाया, सेठ जी को अंदर बंद करवाया, ले जाओ इसको, डालो कारागार में। सेठ जी को कारागार में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई, पत्नी बोली, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, बोलता है कि महल इतना अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब इतने में तो राजा तो डिप्रेशन में चल गया। राजा ने विचार करा, बताओ पत्नी ऐसी। राजा ने कहा, इसको बंद करो, उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया, बेटा आया तो कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे माता पिता को बोलने के लक्षण नहीं है, तेरे पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। तुम्हारी माताजी कहती हैं राजा को काट काट के निकाल देंगे। इतनी देर में बेटा बोलता है, महाराज ना तो मेरी माँ को बोलना आता है, आपको बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को अंदर ही चला देंगे। अब तो राजा ने मन में सोचा कि इनके खानदान में कोई मीठा बोलना जानता ही नहीं है। पिता के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, माँ के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, रिटर्न बड़ा, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, मतलब ये समझ में आ जाता है कि वाणी श्रेष्ठ नहीं। अच्छी वाणी बोलने के लिए घर के अच्छे संस्कार चाहिए।
घर के श्रेष्ठ संस्कार का। और हमने अभी परतवाड़ा की कथा में कहा था, परतवाड़ा की कथा में एक बात कही थी कि गांवों में फसल बिगड़ रही है और शहर में नस्ल बिगड़ रही है। संस्कारों की कमी होती चली जाए। आज क्या संस्कार है बच्चों? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? जरा हाथ उठाओ थोड़ी, अरे एक हाथ तो उठा लो, ऐसे ही झुट्टू मुट्टू ही उठा लो तुम तो चल जाएगा। उठाया उठाया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह साढ़े ग्यारह, समझ में आ गया मेरे को? उठा के गिरा दिया, मत मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती है, इतना तो मैं समझ जाता हूँ। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो तुम में से वो हाथ उठा लो वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है वो हाथ जोड़ लेता, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जा तेरे पाँव पड़ चुप हो जा, तू मेरी माँ से क्यों लड़ रही, मैं तेरे पाँव पड़ता तू चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ू तू चुप हो जा, चुप हो जा जगदम्बा, अरे यो कुरुत की चंडी अम्बा, ए चुप हो जा तेरे हाथ जोड़ चुप। इतने में पत्नी फिर बोली, मैं तो कभी बोलती नहीं, और बोल सब दिया, और नी चुप हुई, तब लोगों ने आरती गई, अम्बे जय हो कुरुद वाली, हम सब उतारे मां करुणा कर, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सम्मान का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए आदर का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सत्कार का, कि आपके शब्द सुनकर दुनिया को प्रेरणा मिले और दुनिया आगे बढ़ने का प्रयास करे, वो शब्द आपके होना चाहिए, वो शब्द आपके होना। और जब अपने भीतर के शब्द मूल होंगे महाराज, क्योंकि हृदय में शिव बैठे हुए हैं, भगवान शंकर उसके हृदय में विराजमान है, जब हृदय में शंकर बैठे हैं तो बांधना जाए। और बहुत सुंदर शिव महापुराण का चरित्र कहता है, संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं, मानव रहते हैं, जितने भी मानव संपूर्ण विश्व में निवास कर रहे हैं, सबके भीतर सबके अंदर ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। जिसको बुलाया वो कहना बैठा है, ईश्वर का एक प्रतिबिंब है, सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान, सबके भीतर शिव विराजमान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी के हृदय को घात ना लगे, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। फिर एक बार बोलेंगे, वाणी ऐसी बोलिए, जमके बोला जमके बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, हमारे शब्द से हमारी वाणी से हमारे द्वारा अपने द्वारा किसी को हृदय में भाव में कहीं भी किसी को ठेस ना हो, किसी अपने शब्दों से अपनी वाणी से अपने भाव से किसी को ठेस ना हो। महाराज तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले, तारकासुर का संहार किया, हृदय में बाण नहीं छोड़ा, हृदय में बाण नहीं, और तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के तीन बेटे थे, तीन पुत्र हैं तारकासुर, और तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष तीन, और तीनों बड़े विचित्र, कल कथा में कल कहा था कि परसों कहा था, परसों के दिन एक बात कही थी, बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनकी खूब अच्छी एजुकेशन कराओ,
बच्चों के लिए खूब मेहनत करो, बच्चों को खूब लायक बनाओ। कब बोला था? कल बोला था? परसों बोला था? जम के बोलो, परसों। चलो हम इसलिए पूछते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं। परसों बोला, बच्चों को खूब पढ़ा, जी जान से ज्यादा मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ा, बच्चों को लायक बनाओ। परशु महापुराण की कथा कहती है, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे। परसों की कथा में कहा था, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना, संस्कारों से भी हिम्मत कर देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे कि मम्मी तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं बोलो, मम्मी तुम फालतू बात मत करो, माँ तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो। जो बच्चे अपने माँ बाप को चुप करना चालू कर दें तो समझ लेना तुमने अपने बच्चों को लायक तो बनाया पर संस्कारों की कमी ला दी, इसलिए तुम्हें नालायक समझ। संस्कारों की कमी मत आने, बच्चों में जितने संस्कार होंगे तो बच्चे तुमका तुम्हारा अगर आज आदर कर रहे हैं तो जिंदगी में उन बच्चों का भी आदर होगा, अगर आज आदर कर रहे हैं तो उन बच्चों का जिंदगी में आदर होता चले जाए। तारकासुर के तीन बेटे, तारका, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीन पुत्र। तीनों ने विचार करा कि मैं शंकर भगवान के पुत्र ने हमारे पिता को मारा है तो हम इससे बदला लेंगे, हम इससे बदला लेंगे। तीनों ने विचार किया। अब शिव कथा कर रही, तीनों ने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मदेव से तप कर उन्होंने वर प्राप्त करा कि हमें वर दीजिए कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर दे दो कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर प्रदान करो कि हमारे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी बोले, ये तो कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे निश्चित है, शरीर तो छूटे, शरीर तो छूटे, ये तो पक्का है कि प्राण जाना, प्राण छूटेगा। तुम कोई और वर मांगो। तारकासुर के तीन बेटों ने, तारका, विदुम्माली, कमलाक्ष ने, तीनों ने वर मांगा, अगर वर देना चाहते हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं। अब तीनों बेटों ने अपने अपने अलग अलग महल बना लिए, अलग अलग नगर बसा लिए तीनों ने, और तीनों ने अपने अपने नगर बसाए, तीनों ने अपना अपना महल बनाया, तीन पुरियों का निर्माण कर लिया, तीन पुरियों का निर्माण, तीनों में निवास, तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर से जाकर देवताओं ने विनती करी कि इन तीनों को मारने के लिए कोई उपाय सोचिए। शंकर भगवान ने कहा, तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ, और अपन तुम देवता दौड़ते दौड़ते इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं इनका संहार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे देवता मिलकर पशु बन गए और शंकर भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम होने जा रहा है जिसका व्रत आप करते रहे, कौन सा? जम के बोलो जरा, पशुपति। सारे देवता पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। रक्षा के प्रति जागरूक होने वाले बन गए पशु। और शिवजी एक बड़े नंदी का रूप ले लिए, बड़े नंदी का, और जितने देवता थे वो छोटे पशु बनकर भागे। तारका, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों को इकट्ठा करा, तीनों तीनों को एकाग्रित करा। अब तीनों को एकाग्रित करा और जो शंकर भगवान ने तीनों को खदेड़ना प्रारंभ करा, तीनों को मारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तारका
राक्षस ने नीचे से निकलकर भगवान नंदी के शीश को काट दिया। जो भगवान पशुपति नाथ का शीश कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया और डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से पूजायमान हो गया। शंकर जी का जो नंदी का धड़ कट कर गिरा वो केदारनाथ जी के रूप में विराजमान। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने ये विचार करा कि आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। अगर इनके प्राण आज नहीं गए तो ये कभी मरने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आए, उन्होंने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने का प्रयास करा। जैसे ही मारने का प्रयास किया विदुम माली पीछे से निकल गया। जैसे विदुम माली पीछे से निकला तारका कमलाक्षकी को तो भगवान ने मार दिया, विदुम माली को पीछे से त्रिशूल के भाग से उसके प्राणों को हर लिया। जैसे ही प्राणों को हरा 33 कोटि देवताओं ने गर्जना करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम पशुपति। शिव महापुराण में भगवान शंकर की पवित्र कथा में शिव महापुराण के अंदर पशुपति अस्त्र, पशुपति व्रत, पशुपत्य योग तीनों की गणना करी। पशुपत्य योग, पशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जोरदार ताली बजाकर साधु का, जिन्होंने इतना लंबा समय बैठकर कथा का स्थान किया। और प्रदेश का राजा अगर सनातनी भाव रखते हैं, धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, तो संपूर्ण प्रदेश का कल्याण जरूर होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। और शंभो शरणे परि मांगो हरि रे दुख काटो दया करिने दर शरणे आपो। शंभो शरणे परि मांगो हरि रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव जी का नाम पड़ गया, ये रिटर्न सही नहीं आ रहा है। शिव जी का नाम पड़ गया, जम के बोलो पशुपति। अब हम संसार के मनुष्य में इतना बल तो है नहीं कि हम पशुपत्य अस्त्र भगवान से ले सके। अपन ने इतना तप कराया, जम के बोलो जरा, अपन ने इतनी आराधना करी क्या, अपना साधना करी क्या कि भगवान से अपन पशुपत्य अस्त्र ले लें। भगवान कृष्ण ने पशुपत्य योग लेने के लिए कई समय तक तप साधना करी थी, तब उनको पशुपत्य योग प्राप्त हुआ। तब भगवान कृष्ण ना हम पशुपत्य योग ले सकते हैं ना हम पशुपत्य अस्त्र ले सकते हैं। तो शिव महापुराण में सबसे सरल चीज क्या बता दी, कौन सा व्रत? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, पशुपति नाथ का व्रत। किस किसने किया जरा हाथ उठाओ, जिन्होंने करा रखी। हम ना तो पशुपत्य भगवान से अस्त्र ले सकते हैं ना हम पशुपत्य योग ले सकते हैं। अगर हम शंकर भगवान से वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो पशुपति नाथ के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये सर इसकी सरलता है, इसको हम सरलता में प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम सहजता में ले सकते हैं। जैसे कितने व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के? 5 व्रत होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। भोग काय का लगता है? मीठे का। मीठा मतलब कुछ भी घर में बनाओ, चाहे मीठा भात बना लो, सीधा हलवा बना लो, मीठी थूली बना लो, जो तुम बना सकते हो, खीर है, हलवा है, थोली है, जो तुम्हें बनाना हो वो मीठा है, कुछ भी बना लो मीठा। अब सब अच्छे से समझ लेना, आजकल पशुपतिनाथ के व्रत के नाम पर भी लोग बहुत प्रपंचा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। इसको समझिए पशुपतिनाथ के व्रत को अच्छे से समझिए। पशु कितने दिए ले जाना है? 6
थे। सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए, निवेदन करिए, अभिषेक पूजन जो करना है वो सुबह के समय पर जाकर कर लीजिए। शाम के समय पर थाली में 6 दिए रख लीजिए, मीठे का प्रसाद एक पात्र में रख लो, कटोरे में जो भी रखना है तुमको वैसा। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना, कोई प्लेट, कोई पत्ता, कोई पात्र जो तुम ले जाना चाहो वो ले जा सकते। शिवजी के मंदिर में जाकर पहले पूजन अर्चना करो। उससे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 6 दिए पृथ्वी पर रख दीजिए, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। कितने दिए जलाना है? 5। एक दिया उसके पास में रखा रहेगा, उसको जलाना नहीं, उसको रखा रहेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद, प्रसाद के हिस्से होने के बाद शंकर जी की पूजन कर दो, बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना बाबा। बाबा इसको स्वीकार करना, ये हमारा पहला व्रत है, पहला। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो, 6 नंबर का जो दिया जलाया नहीं गया है उस दिया को उठाकर थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना कर थाली लेकर अपने घर की ओर गला पकड़ रहा है, बेसी बेस आ रहा है या गुंजाई गुंजा रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। थाली में एक दिया रख लिया है, प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया है, उसको घर की ओर लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर लो और जो 6 नंबर का दिया है वो प्रज्वलित कर, 6 नंबर का दिया चला ले, प्रज्वलित कर। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, मेरे मन की यह कामना है पूरी कर। घर के अंदर प्रवेश करो, भोजन करने से पहले जो मीठे का एक हिस्सा लेकर आए हो प्रसाद का वो हिस्सा खाली, और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो, 5 व्रत के बीच में कहीं रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, 7 दिन तक नारी पूजन नहीं कर पाई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत को छोड़ दो, पर गिनती के 5 व्रत पूर्ण होना चाहिए। 5 व्रत पूर्ण, 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो तब एक श्रीफल कुछ भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, फूल की पत्ती हो, बेल पत्ती हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो शिव जी को समर्पित करें और बाबा से विनय करें, बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपकी दया से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो, आप स्वीकार। शंकर से अपने दिल की बात करें, वो निवेदन स्वीकार करें। वो स्वीकार और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोल बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। समय आगे चली चल रहा है इस महापुराण का, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शिव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है। एक विदल और एक उत्पल, दो असुर है जिनकी सत्ता बहुत है, वैभव बहुत है, पर स्त्रियों पर उनकी दृष्टि ठीक नहीं। विदल और उत्पल माता पार्वती जी को भी गलत दृष्टि से देखते हैं। महापुराण की कथा कहती है जिस
पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आता, संसार में वो पुरुष पुरुष नहीं है, वो राक्षस का ही जन्म लेकर पैदा हुआ। जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सम्मान करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सत्कार करना ना, वो पुरुष नहीं, केवल असुर प्रवृत्ति का एक राक्षस ही है। और यदि सीखना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से सीखो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू ने अपनी अर्धांगनी माता पार्वती जी का सम्मान किया, खुद जमीन पर बैठ गए और मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में बिठाया, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में बिठाया और भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को ऊंचा बिठाया। एक स्त्री का आदर क्या होता है, एक स्त्री का सम्मान क्या होता है, एक स्त्री का सत्कार क्या होता है, एक स्त्री का आदर क्या होता है, सम्मान सत्कार क्या होता है, उसको समझो। एक नारी का आदर क्या है, एक नारी का सम्मान क्या है, एक नारी का सत्कार क्या है, उसको समझो। और जिसने परमात्मा का आदर करना प्रारंभ करा, माता का आदर करना प्रारंभ करा, पिता का आदर करना प्रारंभ करा, सत्कार करना प्रारंभ करा, उसकी जिंदगी में सार्थकता। एक पत्र है, पत्र देखो, सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद छत्तीसगढ़ से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद छत्तीसगढ़ से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, हाथ हिलाओ एक बार वापिस, श्री शिवाय नमस्ते, वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाइए। सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा खुशाल अग्रवाल 4 साल का हो गया था, ना गुरुजी वो बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। अगर वो बच्चे को लेकर आए हो तो व्यासपीठ पर अवश्य लेकर आओ, अगर कहीं बैठे हो। सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद छत्तीसगढ़, कहीं बैठे हो तो अपने बच्चे को ला सकते। मेरा बेटा खुशाल अग्रवाल जो 4 साल का हो गया था, ना बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। गुरुदेव कोरबा के डॉक्टर को दिखाए, कोरबा के बाद में रायपुर दिखाए, फिजियोथेरेपी करवाई, पर ठीक नहीं हुआ। उसको रायपुर के बाल गोपाल हॉस्पिटल में भी दिखाया गया, डॉक्टर बोले इसका MRI करवाना पड़ेगा, रिपोर्ट देखकर बताया जाएगा। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बोला इसके सर में जो नसें होती हैं उसमें से नस दब चुकी है, इसलिए ये बच्चा ना तो चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है और ना बैठ पा रहा है। अब उसकी नस दब चुकी है, इसलिए ना तो ये बच्चा बोल पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना चल पा रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और नस को सही करना पड़ेगा, पर उसके बाद भी कोई पक्का नहीं है कि ये बच्चा चलेगा, बोलेगा और बैठेगा, इसकी कोई गारंटी। गुरुदेव मैं आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर जाना चालू करा, मंदिर को जल लेकर आती, जल को पिलाना चालू करा और बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा कुछ ऐसा कर दो कि मेरा बेटा चलने लगे। गुरुदेव मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं मेरे पास में, क्या शंकर जी ऐसा कर सकते हैं? डॉक्टर ने कह दिया था ना ये चल पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना बोल पाएगा। 6 महीने तक मैंने बाबा का जल अपने बेटे को दिया, उसको पिलाया, उसको मंदिर ले जाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा बैठता भी है, चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा इन्वेचर, आज मेरा बेटा इन्वेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल कुरुद में पढ़ता भी है और मेरे बेटे का मैं फोटो भी लगा रहा हूँ। ये शिव तत्व है, योग है, ये शंभु। अब ये जहां डॉक्टर बोल दिए, जहां डॉक्टर ने कह दिया कि ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना बैठ पाएगा और इसका शरीर काम नहीं करेगा, तो शंकर पर किया गया भरोसा वो टूटता।
पर मेरे बाबा दया करना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक शिव के आश्रित हो जाना, शंकर के आश्रित हो जाना, शंकर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में विनय कर देना, शंकर भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, शिव से विनय करना, अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अपने मन से कहना, विनती करना, शिव सुनता जरूर, भगवान उगड़दानी उसको स्वीकार जरूर करता। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा मेरे भाई बैठे हुए हैं, एक निवेदन आप सबसे करूंगा। शंकर के मंदिर में कभी यह सोचकर मत जाना कि शंकर की हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। कई माताएं कहती हैं मैं भी मंदिर जाकर देखूं कि भगवान सुनते कि नहीं सुनते, भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते, भगवान स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते, भगवान ये स्वीकार करते कि नहीं करते। आप मंदिर में जाना तो ये भाव लेकर जाना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव सुनेगा और मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। ये निश्चित है एक दिन मेरा बाबा मेरी बात सुनेगा। तो सुनेगा, ये निश्चित है, मेरा शंकर स्वीकार करेगा, ये निश्चित है, मेरा उघड़दानी मेरे शब्द को स्वीकार करेगा। दो जगह बिन बुलाए चले जाए, वहां से निमंत्रण नहीं आता, जाना ही पड़ता है। दो जगह से निमंत्रण नहीं आएगा, व्यक्ति को खुद जाना पड़ेगा। पहला सत्संग, दूसरा संसार। कहां कहां? पहला सत्संग, दूसरा शमशान। ये दो जगह ऐसी है जहां से निमंत्रण नहीं आएगा, जहां से कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा, यहां खुद व्यक्ति को जाना पड़ता है। शमशान से निमंत्रण नहीं आता कि आपको शमशान आना है। सबका प्रचार होते हुए देखा होगा, कभी शमशान का प्रचार होते हुए देखा है? जम के तो बोलो कि हमारे कुरूद का, हमारी धमतरी का, हमारे रायपुर का, हमारे इस स्थान का शमशान उच्च क्वालिटी का है, मुर्दे यहीं लेकर आए। कभी ऐसा प्रचार हुआ है? अरे बोलो तो जम के, हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं। शमशान खुद जाना, बस अंत समय है, प्राण छूट रहे हैं, शरीर समाप्त हो रहा है और इस शरीर को लेकर अंत समय में शमशान की ओर बढ़ना है, शमशान की ओर जाना ही है। अंत समय सत्संग में शमशान कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं होता, वहां तो खुद जाना पड़ता है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का निमंत्रण का इंतजार मत करो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, अपने आप तुम्हारा दुख कटेगा, समाप्त होगा और तुम्हारा दिन आनंद होगा। शिव के मंदिर जाओ। एक माने पत्र लिखा, एक तो निवेदन है, पत्र आप लिखो मना नहीं है, पर ऐसे पन्ने पर लिखो जिसको हम पढ़ सकते
अब वो आधे शब्द तो हमको पढ़ाई में आते हैं और आधे नहीं आते, क्योंकि पन्नी पे पत्र लिख देते। मेरा नाम अंगेश्वरी साहू है, मैं ग्राम सेमरा डी ब्लॉक पुरुत की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम अंगेश्वरी साहू है, मैं ग्राम सेमरा डी ब्लॉक कुरुत की निवासी हूँ। मैं भोलेनाथ जी की कृपा का जितना बखान करूं उतना कम है। मैंने भोलेनाथ जी को देखा तो नहीं है, पर शिव महापुराण के रूप में मैंने शंकर को देखा है। गुरुदेव, ये मेरा चौथा पंडाल है जहां मैं बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं। मैंने बाबा से केवल इतना मांगा था, मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। गुरुदेव, दो महीने पहले मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था। एक बार पहले भी तबीयत खराब हुआ, तभी भी डॉक्टर को दिखाया, और फिर दो महीने बाद फिर तबीयत खराब हुई, फिर दिखाया, तो सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चेदानी में छोटे छोटे बहुत सारी गठाने हो गई। किसी के बच्चादानी में एक गठान होती है, दो गठान होती है, पर मेरे में पूरी गठानों से भरी हुई थी। डॉक्टर ने 2 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करवाने का सलाह दे दिया। उन्होंने कहा यह बीमारी कुछ साधारण सी नहीं है, अगर एक गठान होती तो हम साधारण समझ लेते, पर आपके गर्भाशय में बहुत सारी गठाने, इसलिए बीमारी साधारण नहीं है। 1 माह के भीतर ही बेटे की शादी थी। मैंने पहले से ही बाबा को विनय कर रखी थी बच्चे की शादी हो जाए, बाबा ने कृपा करी। अब करूं तो करूं क्या, गर्भाशय में बहुत सारी गठान, और डॉक्टर बोल रहे हैं साधारण गठान नहीं है, इसकी जांच होगी। एक गठान होती तो हम साधारण मान लेते, पर पूरा गर्भाशय गठानों से भरा हुआ, अब क्या करें। तब हमने शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर साहब से हमने कहा भी 1 महीने की हमको मोहलत दो, हम कथा सुनने के लिए पंडालों में गए। वहां पंडाल में बैठते मिट्टी उठाकर अपने गर्भाशय पर लगा लेते, थोड़ी सी मिट्टी का चख लेते, बाबा से विनय करते, बाबा कुछ भी करो पर हमारी गर्भाशय की गठन गला दीजिए। और गुरुदेव, ये कथा कुरुत में चालू हो रही थी, उसके 2 दिन पहले हमने जाकर जांच कराई तो डॉक्टर कहता है कि आपके गर्भाशय की गठन समाप्त हो गई है। ये शिव तत्व है, ये संसार या ओपरी, ये शिव है। रिपोर्ट नॉर्मल आई है और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, मैंने पूर्व में भी 3 कथाओं का स्मरण करा, ये मेरी 4थी कथा पंडाल में सुन रही हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, स्मरण करेंगे। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, अपने हृदय से लगा लो लो कि राजा रहा हूं, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न करो गिरी जा रही हूं, उठा लो। अगर दिल से कथा सुनी, प्रेम से अगर बाबा की भक्ति कर रहे हो, दिल से निवेदन कर रहे हो, तो ये स्वीकार करना कि मेरा बाबा सुनेगा। यहाँ जितनी माताएं आई हैं, जितने भाई आए हैं, जितने बच्चे आए हैं, आज कथा का 6ठा दिवस है। आज की रात्रि को हम जम के बोलो जरा शिवरात्रि कहते हैं, और आज तो डबल योग लग गया है। आज नरसिंह 14 का भी स्मरण है और साथ में कथा की 6ठी रात्रि है, शिवरात्रि का स्मरण। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे के बाद आप सब अपने अपने घर को, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम को, पर इतना जरूर याद रखना, आप अपने घर को कल जाओगे तो जरूर, पर बाबा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे दुख हरने के लिए तुम्हारे घर जरूर जाएंगे। शिव जरूर।
बस जिंदगी में कितना भी दुख, अब प्रसन्न रहना चाहिए, खुश खुश रहने का कोई खर्चा है क्या? अरे बोले नहीं कुरुत की जी जी, सुखी रहने का कोई खर्चा लगता है क्या? खुश दिखने का कोई खर्चा लगता है क्या? तुम्हारे यहां खुश रहने का खर्चा अगर लगता हो कि होठों पे दर्द लाली वाली पोतना पड़ती है और पेंसिल लाइन में खींच के फिर खुश होना पड़ता तो 10-20 रुपए लग सकते। खुश होने का कोई खर्चा है? नहीं। सुखी होने का कोई खर्चा है? नहीं। पर खुश होने का, दिखावा करने का, खुशी रहने के दिखावा करने का खर्चा होता है। खुश रहने का खर्चा नहीं है, खुशी होने का खर्चा नहीं है, पर खुशी होने का दिखावा करने का खर्चा है। खुश होने का दिखावा करने का खर्चा है। मेरे घर में डनलप का गद्दा है, मेरे यहाँ एसी लगा है, मेरे यहाँ सोफा सेट लगा है, मेरे यहाँ ये लगा है। हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ चाहे सोफा सेट हो, चाहे ड्राइंग सेट हो, चाहे हाफ सेट हो, चाहे फुल सेट हो, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। सेट से कुछ नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के घर में भले सोफा सेट नहीं है, ड्राइंग सेट नहीं है, फुल सेट नहीं है, हाफ सेट नहीं है, परंतु एक गरीब बड़ा आदमी अपनी जिंदगी को अगर प्रसन्न होकर जी रहा है तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, संसार का कोई आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं उसके बराबर। हमने कथा में पहले भी कहा, चिकित कहते हैं कर्जा भी हो जाए ना तो अपने चेहरे की हंसी को मत जाने देना, बीमारी भी आ गई ना शरीर में मुस्कुराना बंद मत करना। अरे गुरुजी मेरे गर्भाशय में गांठ हो गई, अरे गुरुजी कैंसर का रोग हो गया, अरे गुरुजी लीवर खराब हो गया, अरे गुरुजी किडनी खराब हो गई, अरे गुरुजी फेफड़ों में कमी हो गई, अरे गुरुजी ऐसा हो गया, मुस्कुराने में कमी मत आने दो। कर्जा भी हो गया ना कोई बात नहीं, देश का जवान और भारत की भूमि का किसान, दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है बस। देश का जवान और भारत की भूमि का किसान एक जैसा है। देश का जवान सीने पर गोली खाता है और मर जाता है, और भारत का किसान जब कर्जे में लदा लूम हो जाता है तब मर जाता है। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, कितना भी कर्जा हो जाए, लोग तुम्हें परेशान पर परेशान करें, दुख पर दुख दें, गाली पर गाली दें, अपशब्द पर अपशब्द कहें, कितना भी ताना दें, तो भी मरने का प्लान मत बनाना, लोगों की छाती पर मुंह तलने का प्लान बनाना। मरना नहीं है, अपनी पत्नी अपने बच्चों अपने परिवार अपनी जमीन अपनी जायदाद को छोड़कर हमें नहीं जाना। थोड़ा सा कर्जा हो गया चेहरे की हंसी चली गई, थोड़ा सा कर्जा हो गया चेहरे की हंसी समाप्त, थोड़ी सी बीमारी आ गई चेहरे की हंसी चली गई, थोड़ा सा कष्ट आ गया चेहरे की हंसी चली गई। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, और जितने मेरे इस पवित्र कथा को इस कुरुत की भूमि से आस्था चैनल के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, सब श्रवण करिएगा, जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए अपने चेहरे की स्माइल कभी खत्म मत होने, मुस्कुराते रहो। हम तो लोगों से कहते कथा में भी जाओ ना तो ऐसे मुसद्दी लाल जैसे मत जाओ कि लोगों ने मार ठोक के तुमको बिठा दिया, ऐसे बैठे हो जैसे कोई ने दोच दिया तुमको। कौन ने कहा कि आओ कथा? तुम्हारे यहां कोई पीले चावल देने गया था? अरे बोलो तो जम के। अगर कथा में आए हो तो प्रसन्न होकर बैठना, कथा में आए हो तो आनंदित होकर बैठना, ऐसे मुसद्दी लाल जैसे नहीं कि किसी ने मार ठोक के जबरदस्ती बिठा दिया कि कब 5 बजे और मैं अपने घर जाऊं, कहां आफत में फंस गया, कहां कथा में बैठ गया, प्रसन्न में रहे, आनंद में रहे, एक आनंद में अपनी जिंदगी जी, एक आनंद। और क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी में जितने प्रसन्न रह सकते हो उतने प्रसन्न रहिए, क्योंकि शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, शंकर भगवान की कथा का जो रसतत्व है, शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। 3 नशे होते हैं, नंबर पर शराब का नशा, गांजे का नशा, भतुरे का नशा, चरस का नशा, चिलम का नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का नशा,
तीन नशे होते हैं। पहले नंबर पर होता है शराब का नशा, रात को पी सुबह उतर जाता है। पहले नंबर पर शराब का नशा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। दूसरे नंबर पर होता है धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, अपनी प्रतिष्ठा का नशा। मैं यहाँ का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, मैं यहाँ का इतना पैसे वाला, मैं यहाँ का धन वाला, पैसे का नशा भी एक ना एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। और याद रखना, शराब का नशा एक रात्रि में उतर जाता है, पैसे का नशा भी एक दिन मरने से पहले उतर जाता है, पर शंकर की कथा का नशा जिंदगी भर नहीं उतरता, वो जमा 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 ही रहता। शिव की कथा का नशा कभी नहीं उतरता, शंकर की कथा का नशा तो चढ़ता है। यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, अगर आप सोशल मीडिया वाले हैं तो इनसे जाकर पूछना, कोई ने एक कथा, कोई ने दस कथा, कोई ने पंद्रह कथा पंडालों में बैठकर सुनी होगी। क्या ये घर से फ्री है? क्या इनके घर में काम नहीं है? क्या इनके घर में एसी नहीं है? क्या इनके घर में कूलर नहीं है? परंतु ये कथा का नशा है जो अपने घर को छोड़कर इस चढ़चढ़ाती हुई गर्मी में बैसाख के महीने में अपना घर का छाता लाकर अपने घर के पानी की बॉटल और अपने बिछाने का सामान लेकर बैठे, अपने बिछाने का सामान, अपनी दरी, अपना छाता, अपनी पानी की बोतल लेकर बैठे। कोई दबेलदारी ना दिखाए कि कथा हमने करवाई, कोई दबेलदारी ना दिखाए कि हम करवा रहे हैं, कथा हम बाँच रहे हैं। सीओर वाला महाराज भी दबेलदारी ना दिखाए कि कथा वो बाँच रहा है, कथा शंकर बाँच रहा है, कथा शंकर करा रहे हैं और कथा शंकर सुन रहा है। दबेलदारी में ना रहे, आप कर रहे, करने वाला शिव है, कराने वाला शंकर। उसने आज्ञा करी, पूर्व में यह कथा श्रीधर परिवार द्वारा हो गई। कहीं पूर्वजों का पुण्य था जो ये कथा श्रीधर परिवार में आ गई। अपने आप को भाग्यशाली समझना कि शंकर ने आपको चुना है। वो करा रहा है, वो करा रहा है। अपनी जिंदगी में शराब का नशा रात को उतरा जाए, सुबह उतर जाएगा। धन का नशा मरने से पहले उतर जाएगा। और शिव महापुराण का एक नशा ऐसा होता है जो मरते दम तक नहीं उतरता। यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रात को सोती है तो भी शंकर में सपने में भी शिव नजर आता है। शंकर कई ऐसी बैठी हैं जिनको शिव तत्व में डूबे, शंकर शिव भक्त। और महाराज जब शंकर की भक्ति का नशा चढ़ता है तो व्यक्ति को ये लगता है कि मैं कैसे भी शिव के साथ हूं, शिव के साथ। विदल उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिन्होंने मां पार्वती जी पर गलत दृष्टि की। पार्वती जी को क्रोध आ गया। गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक रहता है वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाकर विदल उत्पल पर मारा। विदल उत्पल के तो प्राण छूट गए पर वो कुंदुक शिवजी के चरणों में जाकर गिर गया, जिससे शंकर जी का एक नाम प्रकट हो गया जिसका नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते, जो औषधि जो दवाई मान लो नहीं लग रही, जो औषधि जो दवाई शरीर को नहीं लग रही हो तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस औषधि को, उस दवाई को खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हम औषधि दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देते हैं तो वो दवाई शरीर में लगना प्रारंभ हो जाता है। फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव की। कुंदकेश्वर एक नाम, ऐसा नाम है जो औषधि को हमारे शरीर से जोड़ दे। हमारे शरीर को औषधि से जोड़ दे। एक बच्चे ने परिचय पत्र लिखा है, शांति बाई सोनाराम नेताम धमतरी पंचवटी कॉलोनी अटलवा आवास अटल्लावास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हैं हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइएगा, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं शांति बाई सोनाराम नेतान धमतरी पंचवटी कॉलोनी से हूँ। मेरे दो बेटे हैं, उसमें से मेरा छोटा बेटा फलेंद्र के पूरे शरीर में सफेद दाग हो गया, शरीर पूरा सफेद हो गया। डॉक्टरों के पास गई, कई पैसे दवाई में लगा दिए पर
उसका शरीर, उसकी चमड़ी सफेद होती ही चली गई, ठीक नहीं होता। तब मैंने बहुत लंबा समय इलाज कराने के बाद में रायपुर, गुड़ियारी, सबदुर, अन्य अन्य जगहों पर हमने दिखाया, पर कोई आराम ना मिला। उसके बाद में हमने पहली कथा रायपुर के गुड़ियारी में सुनी और शंकर भगवान के उस पवित्र कथा को सुनकर बाबा से प्रार्थना करी, और वहां से प्रार्थना कर वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले आए और शिव जी से प्रार्थना कर एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाती सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष ले आई, उसको पानी में गला देती, उस रुद्राक्ष का जल अपने बेटे के पूरे शरीर पर लगा देती। गुड़ियारी गई थी कथा सुनने के लिए, वहां की मिट्टी लाकर पूरे शरीर पर लगा दिया। कथाओं में जाती हूँ, वहां की मिट्टी लाकर अपने बेटे के शरीर में लगा देती हूँ। आज मैं बाबा को इस कुरुद की पवित्र भूमि पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई थी, उसकी चमड़ी सफेद की सफेद थी और वो सही रंग में नहीं आ रही थी। आज मेरा बेटा पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ, पर केवल 25% बीमारी और रह गई है, बाकी का पूरा शरीर उसका चमड़ी में आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे की शरीर की जो सफेद बीमारी थी, चमड़ी सफेद हो गई थी, वो पूरी ठीक कर दी है, केवल 25% बची है और बाबा ने पूरा की पूरा शरीर वैसा की वैसा ही कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। ये शिव सत्र है, ये उपरी है, समझो। आप जिस भाव से कथा सुनते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, यहां से जाओ ना तो प्रणाम कर जाना। कल कथा विराम हो जाएगी, 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी, फिर 27 तारीख से अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक पवित्र शिव महापुराण की कथा समर्पण वहां प्रारंभ हो जाएगी। वो कथा पूरी होगी 6 तारीख से सोलापुर में, वो कथा सोलापुर की पवित्र भूमि पर उमा महेश शिव महापुराण प्रारंभ हो जाएगा। बाबा देवदत्त महादेव से यहां से कल प्रार्थना कर जाना। जब कल आप यहां से जाएं तो बाबा से निवेदन करके जाना, बाबा ऐसी कृपा करना कि एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचे और अमलेश्वर की कथा में ही पहुंचे, ऐसी कृपा मेरे। उसे निवेदन कर, उसे प्रार्थना कर, बाबा सुने, श्रवण करेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा, बोले अपने दर अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ। शिवो करता है करुणा जरूर करेगा, दुनिया का भंडार भरने वाला तुम्हारा भंडार जरूर भरेगा, निश्चित है। बिदल उत्पल के प्राण छूट गए, शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को बुलाया। नारद जी से कहा, नारद हमारे पुत्र गणेश जी का विवाह करना है। नारद जी ने प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी का मंगल विवाह पक्का किया।